Good morning, students. In last lecture, we complete the exercise 1.1, and now we continue the next topic, different type of the sets. The first set is the empty set. Empty set is also the known as the null set. So what is the empty set? A set having no elements. जब भी हम set को represent करते हैं तो roster form में तो elements को हम क्या करते हैं, comma से separate करके हम curly bracket में लिखते हैं. But यहाँ पर एक भी एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट. मीन्स डिफाइन क्या होगी, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स. ओके, सिंपल लैंग्वेज, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, देन द सेट इज एम्प्टी सेट. एंड एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय the phi otherwise curly bracket set but having no elements. Okay, दो pattern है यहाँ पर empty set को denote करने की. First is the phi and second is the set but having no elements. Okay, now next second point, first is empty, second is the singleton set. So what is the singleton set? Singleton set means a set having only one elements. Okay, means it's called the singleton set. So define hogi a set having only one elements, then set is called the singleton set. Now, generally, example देखे तो set A is equals to 2, okay? तो ये क्या हुआ, singleton set. A is equals to small a, that is singleton set. Now, set A is equals to 5, तो ये क्या हुआ, 5 means empty set, okay? But, अब ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगलटन सेट, बिकॉज ये सेट के अंदर अब क्या हो गया, एक एलिमेंट्स हो गया. ओके, अगर एम्प्टी सेट डिनोट करना है तो ओनली 5 करो, अदरवाइज सेट में एलिमेंट्स नहीं लिखना है. अदरवाइज दोनों को मर्ज कर दिया और ये हो गया तो वो इट्स कन्वर्ट इनटू सिंगलटन सेट. ओके, तो फर्स्ट हुआ एम्प्टी सेट, सेकेंड इज सिंगलटन सेट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइनाइट सेट. ओके, थर्ड इज द फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट मीन्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ओके, वो सब काउंटेबल. सिंपल लैंग्वेज में हम इसके डिफाइन क्लियर कर रहे हैं, फाइनाइट सेट इफ सेट हैविंग एलिमेंट्स आर काउंटेबल. ओके, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट. ओके, इन अ सेट एलिमेंट्स आर काउंटेबल. सिंपल लैंग्वेज में काउंटेबल मींस आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 100, 1000, ओके, मिलियन, कोई भी. ओके, तो काउंटेबल है, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट. इन अ सेट एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देन द सेट इज फाइनाइट. सपोज एग्जांपल देखे तो सपोज सेट ए इज इक्वल्स टू 1 to 10, 1 to 100, कोई भी सेट लिखो, दैट इज अ काउंटेबल. अल्फाबेट्स तो वो भी 26 है, काउंटेबल, दैट इज फाइनाइट सेट. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इनफाइनाइट सेट. तो व्हाट इज द इनफाइनाइट सेट, इन अ सेट एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, देन द सेट इज इनफाइनाइट. ओके, इन अ सेट एलिमेंट्स आर नॉट अकाउंटेबल, then the set is infinite set. Infinite set means, infinite means uncountable, it's not a countable. Suppose the example set A is equals to 1, 2, 3 up to and so on, otherwise n, natural number, फिर integers or real number, rational number, all are infinite sets. Okay, uncountable, that is infinite set. Now the fifth is the equal set.
इक्वल मीन्स कंपेरिजन है, इफ द टू सेट्स आर इक्वल, ओके दोनों सेट इक्वल कब होंगे, द ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, ओके इफ टू सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ओके इफ ए एंड बी आर इक्वल देन, ओके टू सेट्स, ओके टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल देन ए एंड बी आर सेम एलिमेंट्स इन, सेम एलिमेंट्स इन सेट्स, दोनों सेट में कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ए एंड बी दोनों में कैसे सेम, सपोज द एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड द बी इज इक्वल्स टू आल्सो द 1 2 3, ओके हियर थ्री एलिमेंट्स आल्सो द थ्री एलिमेंट्स एंड दे आर सेम एलिमेंट्स, ओके सपोज यहां पर 1 2 3 की जगह पर हम लिख दे 3 1 2, ओके दे आर ऑल्सो सेम बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रोस्टर फॉर्म, तो दोनों सेम एलिमेंट्स हो गए एंड इट्स डिनोटेड बाय द ए इक्वल टू बी, ओके नाउ नेक्स्ट एक और पॉइंट, ये पॉइंट आपके टेक्स्ट में नहीं है एंड इट्स कॉल्ड द इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंट सेट, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस इफ द टू सेट्स आर इक्वल, ओके दो सेट्स इक्वल कब होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, ओके इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम देन देन द सेट्स आर, सेट्स आर इक्विवेलेंट मींस दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, सपोज द ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड द बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, ओके नाउ द हियर ए एंड बी सेट्स आर इक्वल, नो बिकॉज द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, बट हियर नंबर ऑफ एलिमेंट, हियर थ्री एलिमेंट ऑल्सो द हियर थ्री एलिमेंट्स दैट इज द ए इक्विवेलेंट बी, इक्विवेलेंट बी इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ओके तो यानी यहां पे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट के रिलेटेड हम कंपैरिजन करें दोनों के बीच में, तो ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, कोई भी इक्वल होगा तो वो इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इन इक्वल सेट, ओके तो यहां पर जो एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड जो डिफाइंस थी वो यहां पर कंप्लीट होती है, ओके okay?